जय माता दी। दोस्तों, आज लेकर आए हैं नवरात्रों का आठवां दिन, महामाई मां गौरी का दिन। आज का स्वरूप है मां भगवती का आठवां स्वरूप महागौरी का। कैसा होगा उनका रूप और कैसे करें उनकी पूजा विधि, कैसे करें महादेवी महागौरी को प्रसन्न, और कौन से रंग के वस्त्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, क्या होगी पूजा की विधि, और कौन सा होगा हर मनोकामना को पूरा करने वाला महा उपाय, ये सब बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। मैं हूँ डॉक्टर सीमा मिड्डा, मुखातिब हूँ आपसे इंडिया न्यूज के फैमिली गुरु चैनल की तरफ से, और माँ देवी महागौरी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, आपके लिए सुख समृद्धि सफलता स्वास्थ्य सब कुछ, नेम फेम यश सब कुछ मिले आपको। शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो से। माँ महागौरी की पूजा करते समय आप गुलाबी वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। सर्वप्रथम कलश की पूजा करें, फिर देवी देवताओं का ध्यान करके, पितरों का ध्यान करके माता को रोली अक्षत सफेद वस्त्र, सफेद रंग का पुष्प, केले का पुष्प या नारियल का भोग भी लगा सकते हैं। इस दिन हलवा पूरी खीर और काले चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है, और फिर धूप दीप करके महागौरी का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरै नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। उसके बाद स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः, ये भी आप पढ़ सकते हैं। फिर दुर्गा चालीसा आरती कर सकते हैं और साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का अध्याय भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी जरूर लिखें। आप देख रहे हैं डॉक्टर सीमा मिड्डा इंडिया न्यूज ओनली और फैमिली गुरु, और कल लेकर आऊंगी लौट कर हम सब मिलके पूजा करेंगे 9वें दिन नवरात्रे के माँ सिद्धिदात्री की। जय माता दी।